हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज कल रात में यहाँ पे बहुत तेज़ से आंधी आई थी और रात में ही बारिश हल्की हुई थी। और इस आंधी के आने से देखिए, हमारी जो ग्रीन नेट लगी हुई थी तो उसकी जो पाइपें थी वो टूट गई हैं। और नेट को मैंने अभी ऐसे ही तारों से बांध दिया है। संडे को मैं यहाँ अपने गार्डन में कुछ काम कराऊंगी, क्योंकि अगर मैं अभी नहीं कुछ करवाती हूँ तो ये जो मेरे प्लांट हैं सारे ख़राब हो जाएंगे। आज धूप लगने से कुछ प्लांट डैमेज भी होने लगे, क्योंकि जो काफ़ी दिनों से ग्रीन नेट के नीचे रह रहे थे वो आज उनको डायरेक्ट धूप लग रही है तो थोड़ा वो मुरझा से गए हैं। उनका वो देखिए, इनकी ग्रीनरी जो है थोड़ी कम लगने लगी है और धूप ज़्यादा पड़ने से थोड़ा गड़बड़ भी हो रहे हैं। तो बस 2 दिन का वेट है, क्योंकि जिसको मैंने बुलाया है वो अभी यहाँ है, यानी कि ईद थी परसों, तो उस कारण सारे जो कारीगर थे वो चले गए हैं अपने घर। तो बात की थी तो वो बोले संडे को आएंगे, तो देखते हैं 2 दिन में क्या हाल होता है मेरे प्लांट्स का। वैसे बुरा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही। देखिए ये देखिए, तो मैंने कुछ पास पास कर दिए हैं जिनको ज़्यादा धूप लगनी थी, और कुछ मेरे इंडोर भी प्लांट हैं, आउटडोर भी हैं, जो साथ साथ में लग गए थे। और ख़ुद ये जो प्लांट देख रहे हैं 4 o'clock, ये खुद अपने आप जो है बीज पड़ा था तो अपने आप ही ये प्लांट उगाया है। और तो अब रात में 4-5 बजे मैं देखूंगी, इसकी कुछ शिफ्टिंग इधर उधर कर दूंगी, ताकि भी 2 दिन जो धूप रहेगी उससे मेरे प्लांट ख़राब भी हो सकते हैं। और एक चीज़ और मैं दिखाऊंगी, ये देखिए इधर, ये इसमें मैंने विंटर के प्लांट लगाए थे और वो सूख गए हैं, तो मैंने इसमें मॉस रोज लगा दी है। तो ये जब प्लांटर मेरा फ्लावरिंग करने लगेगा, काफ़ी ज़्यादा प्लांट में फ्लावर आएंगे, तब ये बहुत खूबसूरत दिखने वाला है। तो कुछ छोटा मोटा काम है जो मैं अभी इन 2-3 दिनों में करूँगी। और देखिए, ये मेरा हाइब्रिड का जो हिबिस्कस था ये भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मगर हालांकि इसमें खाद वगैरह मैं बहुत अच्छे से दे दी थी, लेकिन पता नहीं इसकी लीफ वगैरह भी जो है बहुत छोटी छोटी हो रही हैं और फ्लावरिंग भी नहीं हो रही है, और मुझे रीज़न इसका भी नहीं पता चल रहा है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। और ये अभी वांडरिंग जू वगैरह भी बहुत ही तो नहीं अच्छी दिख रही हैं, क्योंकि इस टाइम काफ़ी तेज़ धूप हो रही है और बारिश के बाद जब धूप नहीं होती है तो काफ़ी तीखी होती है, जो प्लांट्स को भी बहुत डैमेज कर देती है। तो ये देखिए, सूखी सूखी जो लीव्स होती हैं वो मैं कोशिश करती हूँ पर डे निकाल देती हूँ, मेरी नज़र जहाँ पहुँचती है मैं तुरंत उसको निकाल देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ, ताकि मेरे प्लांट पे कोई ज़्यादा खास फ़र्क ना पड़े। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्लांट एक था, इसका नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन हाँ मैंने 2-3-4 दिन पहले कटिंग कर दी थी, तो इसमें ये नए नए कल्ले आ गए हैं। और अब इधर चलिए, इधर दिखाते हैं। तो देखिए नेट बिल्कुल नीचे आ गए, लेकिन हाँ कुछ जो है उसको हमारे प्लांट्स को प्रोटेक्शन मिल रहा है। ये देखिए फ्रेंड, इधर भी सारे जितने प्लांट, काफ़ी ये चंपा का देखिए कितनी लीव इसकी मुरझा सी गई है, सारी जैसे लग रहा है नीचे गिर रही हैं, हालांकि शाम धूप ढलने के बाद ये फिर से सही हो जाएंगी, पर ग्रीन नेट को हटने के कारण बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। मुझे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मेरे प्लांट आज गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स कितने ज़्यादा, पता नहीं अचानक बहुत ज़्यादा, वैसे इनको तो डायरेक्ट धूप लगती है, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम हुई है। देखते हैं, आज बारिश भी हुई थी तो हो सकता है उसका भी कुछ इफ़ेक्ट पड़ा हो। ये देखिए फ्रेंड, ये करी का प्लांट है जो मैंने अपने आप नहीं इसको लगाया था, ये खुद बीज से ग्रोथ हुआ है, किसी बर्ड्स वगैरह ने कोई बीज डाला होगा तो ये खुद ब खुद प्लांट हमारे गार्डन में आ गया है और बड़ा भी हो गया है। इसको मैं थोड़ा मौसम अच्छा हो, बारिश हो जाए 2-3, तब मैं इनको किसी और प्लांट में रिपोर्ट कर दूँगी, ताकि ये बड़ा हो जाए।
तो किसके साथ, मैंने चैन प्लांट वगैरह लगा रखे हैं तो एक दूसरे की जो रूट मिलती हैं तो थोड़ा बढ़ने में दिक्कत आती है दूसरे प्लांट को। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये है, ये मेरा मिनी हिबिस्कस है, तो मैंने इसको, ये मैं लाई थी पॉट बॉन्साई का, तो मैंने इसको लगाया, कोशिश कर रहे हैं इसको बॉन्साई बनाने के लिए। और एक ये है, ये चांदनी बताया गया था, अब देखते हैं ये क्या है प्लांट, मुझे तो नहीं लग रहा है, लेकिन इसको भी मैंने इसमें रिपोर्ट कर दिया, अब देखते हैं ये क्या प्लांट बढ़ता है या नहीं, बढ़ जाता है तो फिर इसकी कटिंग करके मैं इसको कोशिश करूँगी बॉन्साई बनाऊँगी। और फ्रेंड ये देखिए, एक ये मेरा बोगनविला का प्लांट है, ये भी बॉन्साई प्लांट है, छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं होगा, तो इसकी कटिंग करके मैं बॉन्साई बनाऊँगी। तो ये सारे प्लांट जो मैं आज मैं अपने गार्डन का ये दिखाना चाह रही थी कि कल आंधी तूफान ने मेरे गार्डन का तहस नहस कर दिया है। हाँ, और हाँ फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने आज एक प्लांट लिया है गंधराज का, ये है गंधराज प्लांट, इसमें एक दो कलियां भी हैं। जब भी कोई प्लांट लीजिए तो देख लीजिए हेल्दी हो तभी प्लांट लीजिए, क्योंकि अगर प्लांट हेल्दी नहीं होगा तो आपके गार्डन में आके वो थोड़ा हो सकता है डैमेज भी हो जाए, चल जाता है लेकिन कभी कभी होता है कि खराब होता है। और एक ये और लिया अलमंडा का प्लांट, एक हालांकि मेरे यहाँ लगा हुआ है, वो देख सकते हैं पूरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा, पिछले साल मैंने लिया था, 1 ईयर कम्प्लीट होने वाला है, जून में लिया था इसको मैंने, अब वो काफ़ी बड़ा हो गया है। और एक आज ये ले लिया जो मैं यहाँ पे लगाने की सोच रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए क्या हाल है मेरी आज छत का, और टेरेस पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो मैं इसको आज शाम को ही साफ़ करूँगी, क्योंकि दिन में काफ़ी तेज़ धूप थी, इम्पॉसिबल था यहाँ कुछ काम करना। और ये फ्रेंड देखिए, ये मेरे मशीनें मेरे यहाँ हस्बैंड सप्लाई करते हैं, तो उसमें मेडिकल की जो मशीन होती हैं उनको, तो उसमें ये गत्ते थर्माकोल के जो है बॉक्स निकले थे, तो मैंने इनमें सॉइल भर के लगाया है एक। ये प्लांट है मधुमालती का, तो ये देखिए अब देखते हैं बारिशों में ये क्या प्लांट ग्रोथ कैसी करता है, तो मैं इसको बाहर की तरफ डालूँगी ताकि ये काफ़ी सुंदर दिखे। और ये है फ्रेंड गुलमोहर का प्लांट, अभी मैं दो चार दिन पहले लाई हूँ, संडे को मैं लाई थी, और क्या चल तो गया है लगाने से, ऐसा नहीं है कि गड़बड़ हुआ है, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप है तो इस टाइम अगर आप कोई प्लांट लाके लगाते तो थोड़ा डर रहता है कहीं प्लांट ख़राब ना हो जाए। तो बस फ्रेंड वैसे बहुत सारे प्लांट हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। और इस टाइम फ्रेंड हिबिस्कस के प्लांट पे ये मिली बग्स बहुत लग रहे हैं, कोशिश करती हूँ बार बार रिमूव करने की लेकिन फिर भी आ जाते हैं, लेकिन हाँ मैं समय समय पर ध्यान देती रहती हूँ, सफाई करती रहती हूँ, तो अभी वैसा तो नहीं है कि यहाँ प्रॉब्लम कोई हो रही है, लेकिन ये गर्मियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा मिली बग हो जाते हैं। और ये देखिए वाइट हिबिस्कस, ये भी काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, और काफ़ी देखिए इसमें कितनी बर्ड्स हैं, एक साथ तो नहीं खिलती हैं लेकिन हाँ पर डे 2 से 3 फ्लावर ज़रूर खिल जाते हैं। और फ्रेंड हमारे गार्डन में इस टाइम से छोटी छोटी सी बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और इन्हीं के आने से हमारे गार्डन में काफ़ी खूबसूरत ग्रीनरी और फ्लावर काफ़ी ज़्यादा बने रहते हैं। और इस टाइम प्लांट मेरा रोज़ तो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं अच्छे, फ्लावर तो आ ही नहीं रहे हैं बिल्कुल, काफ़ी तेज़ धूप है इस कारण नहीं आ रहे हैं शायद, या हो सकता है कोई कमी रह रही हो मुझसे, कोशिश तो मैं कर रही हूँ, मैंने फर्टिलाइज़र वगैरह समय रहते ही दे दिया था। तो बस फ्रेंड आज तो मेरा गार्डन बहुत ही ख़राब लग रहा होगा आप सभी को, क्योंकि काफ़ी इधर उधर हो गया है, कोई इसमें मेंटेनेंस नहीं की है, बस बारिश हुई थी तो बस साफ़ सफाई थोड़ी कर दी थी पानी वगैरह डाल के, अब इनको मैं, क्योंकि अभी संडे को जब वर्क होगा इस छत पे तो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा मुझे प्लांट हटाने भी पड़ेंगे तभी ये यहाँ पे ये सब काम अपना कर सकेंगे। तो देखते हैं
क्या होता है और कैसे क्या वो लोग लगाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि मेरा गार्डन कैसा लगा, और आज का भी बताइए कि आप लोगों को मेरा गार्डन कैसा लग रहा है। हालांकि वो चीज़ तो नहीं है जो मैं अपनी वीडियो में डालती रहती हूँ, आज मेरा गार्डन काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में है, लेकिन ठीक है, कोशिश कर लेंगे, अच्छे से फिर बना देंगे इसको। और कल रात के 10 बज गए थे हमको ये सब सही करते करते, वरना अगर मैं नेट ना हटाती तो शायद मेरे काफ़ी प्लांट टूट भी जाते। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बताइएगा मेरा गार्डन कैसा लग रहा है, और मेरी वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो आए उसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग नए हैं तो, और लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।